प्रिया राय जेएनआई न्यूज की रिपोर्टर एंड एंकर जेएनआई जो कि सच्चाई के लिए लड़ता है और इंसाफ दिला के मानता है। जनता के लिए लड़ूंगा, इंसाफ के लिए लड़ूंगा, क्योंकि जनता की ही आवाज है मेरी पहचान। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर, जेएनआई न्यूज चैनल एंकर एंड मैनेजर। मनोज कुमार यादव, क्राइम ब्यूरो उत्तर। जैसे कि आप जान रहे हो 16 अक्टूबर दिन बुधवार आज अवध सम्राट महाराजा लाखनपासी का जन्मोत्सव है। ये वो हमारे राजा थे, शासक थे, जिन्होंने लखनऊ को बसाने का कार्य किया और लखनऊ को बसाने के साथ साथ में इसीलिए लखनऊ का नाम लाखनपासी के नाम पे पड़ा। और अभी आप लोग ने देखा होगा तत्काल जो सरकार थी ये लखनऊ का नाम बदलने का साजिश कर रही थी। संगनलाल गुप्ता जी के लेटर पैड पे, सांसद जी के लेटर पैड पे आया कि इसका नाम बदल के लखनऊ से लक्ष्मणपुरी कर दीजिए। लेकिन हमारे समाज ने अपनी ताकत को दिखाने का काम किया, मार्शल समाज ने ताकत को दिखाया और संगनलाल गुप्ता स्वयं अपनी सांसदी से हाथ धो बैठे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे आ रहा है, किसी की भी सरकार हो, संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है और ये जन्मोत्सव बनाने का मेन कारण ये है कि अपने युवाओं को, अपने बुजुर्गों को हम इतिहास से रूबरू करा सके और ये बता सके कि आपका एक गौरवशाली इतिहास था जिसको यहाँ के कुछ चाटुकार इतिहासकारों ने, मक्कार इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। लेकिन आज हम युवा साथी इतिहास की बदौलत इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी हमारे और भी साथी आ रहे हैं, बाइक रैली की बात है, बाइक रैली भी की जाएगी, सभा की बात है, सभा भी की जाएगी और बगल में हमने तहरी बोझ का वादा किया था वो भी होगा। थोड़ा समय लगता है चीज़ों में, और थोड़ा समय क्या, हम तो आज़ादी के बाद बहुत समय लग गया हम लोगों को यूनाइट होने में, लेकिन आज हमारा समाज यूनाइट हो रहा है और बहुत सकारात्मक तरीके से यूनाइट हो रहा है कि वो किसी की बुराई ना करके आगे आने का काम कर रहा है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप कहीं भी हो अपने राजा महाराजा महापुरुषों की जयंतियों को मनाएं और ना कि अपने बल्कि सर्व मार्शल समाज, चाहे वो किसी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको अपनाएं और कोई भी दलित शूद्र नीच नहीं है। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहूँगा, आज़ादी की लड़ाई में और बाहरी आक्रांताओं से लड़ने के लिए यहीं की एससी एसटी की बैकवर्ड की जातियों ने संगठन बनाकर लोहा लेने का कार्य किया है। आज उन्हीं को इतिहास में जगह नहीं मिली है और आज उनको नीच कहा जा रहा है, जिन्होंने जो लड़े हैं उन्हीं को नीच कहा जा रहा है। हमारी लड़ाई मार्शल समाज बनाने के ऊपर है, जितना मार्शल समाज मजबूत होगा आने वाली सत्ता एससी एसटी बैकवर्ड की होगी, हम किसी को नीच शूद्र दलित नहीं कह सकते। और भैया ये बता दीजिए, आपका संगठन किन किन मुद्दों पर काम करता है? देखिए, मेरा संगठन मेनली एक पे काम करता है, हम बिल्कुल क्राइम पे काम करते हैं कि कहीं भी किसी बहन के साथ गलत होता है, किसी व्यक्ति की हत्या होती है या किसी लड़के के साथ गलत होता है, हमारा संगठन युवाओं का संगठन है, मजबूती से वहाँ पे जाके खड़ा होता है और खड़े होकर थाने का घेराव करना होगा, थाने घेराव होगा, एसपी का घेराव करना होगा, कलेक्टर का घेराव करना होगा, कैसे भी करके एंड केन प्रकरण, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है, ना हमारी कोई पार्टी है, हमारा एक ही ताकत है, वो हमारा जन सैलाब है। जन सैलाब इकट्ठा करके तांडव मचा कर उस व्यक्ति को उसका न्याय दिलाने का काम करते हैं, यही सुवेल्दो आर्मी का काम है।